अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने खारिया के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विज़िट किया और देखा कि कौन कौन से पेट्रोल पंप हैं जहां पर जिनका पैमाना बिल्कुल ठीक है और पेट्रोल का रेट भी उनका गवर्नमेंट रेट के मुताबिक है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि खारिया जीटी रोड के ऊपर कौन कौन सा पंप है जहाँ पर पेट्रोल का पैमाना और रेट गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और इस वक्त हम मौजूद हैं राशा पेट्रोलियम जीटी रोड खारिया के ऊपर। एस्कोल का पंप है और इस पर हम चेक कर रहे हैं। आज हम खारिया के मोस्टली पेट्रोल पंप्स को चेक कर रहे हैं कि किस किस का पैमाना ठीक है, मकदार के मुताबिक और रेट के मुताबिक और मैार कैसा है। तो इस वक्त हम चेक करेंगे एस्कोल पम्प का पैमाना कि उसका पैमाना पेट्रोल और के रेट और मकदार के मुताबिक ठीक है कि नहीं है। तो नाज़रीन, हमने देखा कि पेट्रोल पंप पे सर्विस बहुत अच्छी है, आने जाने वालों को पानी पिलाया जा रहा है, स्क्रीन साफ़ की जा रही है और इखलाक एस्कोल पंप के जितना भी अमला है, जितना भी इनका स्टाफ है, सबका इखलाक बहुत अच्छा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारिया मेन सिटी में, जो अटक का पंप है उधर मौजूद हूँ। दिखाएँगे कि अटक के पम्प के ऊपर पेट्रोल की क्या मकदार दी जा रही है और पेट्रोल का पैमाना कैसा है, मकदार कैसी है, उसका मैार कैसा है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि एक लीटर पेट्रोल डलवाते हैं जब आप, या 260 रुपये या 62 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, तो पूरा एक लीटर होता है या नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि अपने अपने इलाके में, या ये जिस तरह मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे होता है कि पैमाना कम होता है, मैार कम होता है, या रेट 2 या 3 रुपए गवर्नमेंट रेट से ऊपर होता है, इसको मेंटेन रखा जाए। आपके इलाके में रेट क्या है और पैमाना ठीक है कि नहीं ठीक, ये आपने बताना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।